भाई, ओ बीड़ा दीमक दी भेट हो गई। मतलब साडा ये अवेसलापन है पुरातन पीढ़ियां दे प्रति। 84 दे विच जरा हरिमंदर साहब साड़ी वड्डी लाइब्रेरी सी जिस विच कितनियां पुरातन पीढ़ियां सन अज उन्हां दा कोई थो पता नहीं है। सो ये साडा अवेसलापन है उन्हां नूं संभालण दा। वर्ल्ड विच जाओ लोगों ने शेक्सपियर की कलम संभाल के रखी हुई है, लोगों ने संभाल के रखा है गोरकी कित्थे रहिंदा सी, टॉलस्टॉय कहड़े घर विच, उसनों एज प्रिजर्व एज म्यूजियम बना दिता उन्होंने उन्हें ताकि उस पुरातनता का एहसास होवे। अहमदाबाद जिथे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम जाने का मौका लगे उन्होंने वही एनक उवें रखी हुई है, वो छोटा जिहा जिहड़ा मुनीम वाला बेंच हुंदा है जिस बैठ के लिखा जाता है उस तरह ही पे है। भाव पता लग कि इत्थे महात्मा गांधी बह गए काम करता सी ते इह ओह थां सी, पर साडे कोल ओह सारिया चीज़ां दा इतिहास ये जिहड़ियां इतिहासक वस्तुआं ने ओह कित्थे गईआं कित्थे पहुँच गईआं ओह इन्हां बारे अज विचारन की लोड़ है, इन्हां नूं संभालण की लोड़ है। ये अवेसलापन साडा है पर इस विच बहुत घट लोग इस पासे रुचित ने। अज पुरातन जड़ियां बीड़ां ने उन्हां दी संभाल वास्ते साडे कोल साइंटिफिकली इन्नी एडवांसमेंट हो चुकी, टेक्नोलॉजिकल इन्नी एडवांसमेंट हो चुकी, असीं इन्हां चीज़ां नूं संभाल सकते हाँ, पर इस पासे किसी का रुझू नहीं है, इस पासे किसी का ख्याल नहीं है। ये साड़ी कौम की त्रासदी है। गुरु साहब ने अपने मुबारक हस्तकमलों के नाल वो जो लिखिया करते सन वो बीड़ां दे विच वो हस्ताक्षर मौजूद ने ते बहुत सारे साढ़े पास अज भी हैं। मार्कोस ओरा ने पूरा चांट बनाया कि हर गुरु साहिबान की लिखावट तो पछाणिया जा सकता है कि ये किहड़े गुरु साहब की है। तो इस विच भी अज बहुत सारी इंटरपोलेशन शुरू हो गई, लोग कह देंदे लिख देंदे ने ते थले लिखा जाता है कि ये इस गुरु साहब की लिखत है, पर उसकी अथेंटिसिटी किवें लभे उन्होंने पूरा चार्ट बना के दसिया है कि इस चार्ट राही तुसीं पछाण सकते हो कि ये किहड़े गुरु साहब की है या ये तुहानूं धोखा दे रहा है। इन्नी मेहनत नाल उन्होंने वो काम किए हुए हैं। केवल मार्को साहब ही नहीं हैं, हुण भाई वीर सिंह सदन विच एक वड्डा गुरु ग्रंथ साहब रिसोर्स सेंटर भी बन गया। कल जिन्होंने अटेंड किया होना नेकी साहब तो गल सुनी होएगी कि किवें उन्होंने उस रिसोर्स सेंटर वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाल लड़ झगड़ के ते ओ उसनू प्राप्त किया। इत्थे उन्होंने जरा काम कर रहे ने हुण तक जरा काम हो रहा है जिहड़ियां पुरातन बीड़ां ने उन्हां सारियां दी डिजिटलाइजेशन शुरू की है, उन्हों कंप्यूटर बेस्ड कि तुसीं विद ए क्लिक ऑफ बटन तुसीं पुरातन बीड़ां बारे सारी जानकारी उस रिसोर्स सेंटर विच बैठे हुए लै सकते हो जिहड़ियां पुरातन बीड़ां ने, कि उस नूं कंप्यूटर दे विच उहदे पूरी जरा एज सच उहदी फोटोग्राफ साडे कोल पहुँच जाण, तुसीं उत्थे बैठ के उस रिसोर्स सेंटर ते तुसीं फर्दर रिसर्च उहदे उत्ते कर सकते हो। इस तरह मार्कोस ओरा अपने जिहड़े घर है जिथे वह रहिंदे सन उस सारे नूं उन्होंने म्यूजियम दे विच बनाउण दा तसव्वुर कीता कि उन्होंने सारा जिहड़ा वह वेरवा है वह उत्थे होवे ते कोई रिसर्च स्कॉलर अगों काम करना चाहे तो वह कर सके। साडे कोल पुरातन बीड़ां जिहड़ियां जिहड़ियां मिलदियां ने जिवें आप जी नाल जिक्र कीता गुरु अर्जन साहब दे ते गुरु अर्जन साहब दे दस्तखत भी मौजूद ने, गुरु हरगोबिंद साहब दे टाइम दियां ते गुरु हरगोबिंद साहब दे दस्तखत मौजूद ने, गुरु हरराय साहब दे दस्तखत मौजूद ने, गुरु हरकृष्ण साहब दे भी दस्तखत कुछ बीड़ां विच मौजूद ने। पटना साहब पई है वह बीड़ जिस विच गुरु हरकृष्ण साहब दे दस्तखत ने, और गुरु तेग बहादुर साहब दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे। इन्हां बीड़ां दे विच जड़ी एक होर जड़ी गल आउंदी है कि सानू होर नाल नाल वेरवे मिलते ने, जिवें आदि बीड़ जड़ी गुरु अर्जन पातशाह जी ने
ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੋਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਭੀੜ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਲਟਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਸਟ ਅਥੈਂਟਿਕ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਬੀੜ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਬੀੜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਪਰ ਸੰਨ 1960 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੋਸ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀੜ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਬੀੜ ਅੱਜ ਉਸ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਬਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਛੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਛੱਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲੀ
और दमदमी भीड़ है ना जिसनों गुरु साहब ने गुरियाई दिती है, तो उस गुरियाई केड़ी भीड़ उस वेले केड़ी भीड़ सी, क्योंकि अज भी असी नंदेड़ जाइए तो कई पुरातन भीड़ा के दर्शन होंगे ने, पर साड़ा इतिहासक तौर पर अवेसलापन है कि असी उस भीड़ नू हाले तक नहीं ढूंढ सके हाँ जिस नू गुरु साहब ने गुरियाई दिती सी। अज दी भीड़ नू तां है एदे च कोई शक नहीं, पर जिस दे अगे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मत्था टेकिया सी वह इतिहासक भीड़ वह किस थां ते है हाले इस बारे पता नहीं। फिर दमदमी भीड़ दे बहुत सारे उतारे बाबा दीप सिंह जी ने किते, चार उतारे किते, चारों तख्तों ते भेजे उस वेले, ते उन्होंने आप इस दे बारे सानू जिक्र मिलता है बाबा दीप सिंह जी का। बाबा दीप सिंह जी 6 महीने करतारपुर रहे, लंगर विच्चों प्रशादा छकते रहे, ते आद भीड़ तो सारा दमदमी साहब भीड़ का सोध दे रहे, मतलब उन्होंने 6 महीने बैठ के जड़ी आद भीड़ करतारपुर विच है उस तो और दमदमी भीड़ विच कोई फर्क ना होवे बाणी दे अंदर, वो आप उन्होंने चैक किया ते इस दे उतारे करके वख वख तख्तों ते भेजे। हुण जदों वड्डा घल्लूघारा होया तां वड्डा घल्लूघारे दे विच खालसे दे पास जे खालसे दी जिहड़ी माणिक जिन्नी चूक होई सी कि खालसे दे पास बहुत सारा असबाब सी, बहुत सारा समान सी, उन्हां कोल बच्चे सन, उन्हां कोल बजुर्ग सन, ते उन्हां दे नाल जंगजू खालसा राट खालसा भी सी, ते सारा खालसा अबदाली ते मुगल फौजां दे नाल घिर गया। कुप हीरड़ा संगरूर भी जड़ा वो स्टेशन भी आ कुप हीरड़ा ते संगरूर दे नेड़े आ, संगरूर तो पहला आंदा है, ते इस दे इस मैदान दे बीच सिख घिर गए अपने माल असबाब बच्चे दे बजुर्गां दे नाल। एक दिन विच 30,000 खालसा शहीद होया सी, और क्योंकि इत्थे कोई किला तो सी नहीं, इन्हां ने बच्चे बजुर्ग समान विचकार रखिया ते 5-5 नौजवानों की कतार बना करके घेरा कत लिया। अबदाली इस घेरे नूं तोड़दा, अंदरों असबाब मान माल असबाब लुटदा, बजुर्गों नूं बच्चियों नूं औरतों नूं कतल करदा। जिथे वह घेरा टुटदा उस वेले जस्सा सिंह आहलूवालिया, चतर सिंह शुगर चक्किया, होर जड़े मिसल दे जत्थेदार सन वो स्थान नूं पहुँच के ते उसनूं प्लग कर दे, उस घेरे नूं मुड़ सुरजीत कर दे। पर इन्नी वड्डी फौज फिर इन्होंने सुरक्षा करनी है, अपने आप नूं संभालना है, बच्चियां नूं संभालना है, उत्तों दी अटैक नूं भी रिपल्स करना है, ते अबदाली ने केवल अटैक करना है, ते इस नूं वड्डा घल्लूघारा आख्या जांदा है। इस विच भी दमदमी भीड़ कहा जांदा है कि वह अफगानिस्तान चली गई और लुट के लै गया। डॉक्टर गंडा सिंह कोई 2 महीने अफगानिस्तान भी सर्च करते रहे कि शायद इतों की किसी लाइब्रेरी के बीच जो शाही जड़े खजाने ने जिस थान के उत्ते समान है वो सानू मिल जाए, वो ट्रेस नहीं हुई। लेनिन गार्ड की लाइब्रेरी के कोरसपोंडेंस हुई, उत्थे भी एक भीड़ पई है, मार्कोस ओरा उतों की लेनिन गार्ड तो ये चिट्ठी पत्री उन्होंने नाल जारी सी, उत्थे भीड़ किवें पहुंची है लेनिन गार्ड के अंदर, इस बारे भी इतिहास हाले चुप है। ब्रिटिश जड़ी इंडियन हाउस इंडिया हाउस लाइब्रेरी है उसके अंदर भीड़ मौजूद है। कारण महाराजा रणजीत सिंह का जिस वेले राज होया तो महाराजा रणजीत सिंह का ये रोजाना का नेम सी कि अपना इशनान पानी तो वेले हो करके अपना नितनेम करके तो सब तो पहला दरबार में जान तो पहला आद बीर ते बनो वाली बीर इन्हां दोहां बीड़ां तो दमदमी बीर तो ये वाक लिया करते सन, इन्हां नूं ग्रंथी सन दोहां दे, वो आंदे प्रकाश करदे ते इन्हां नूं वाक सुनाया जांदा दोहां बीड़ां तो। ते जिस वेले